शाबान की 14 तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकात में बाद नमाज सूरह फातिहा के बाद सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें एक एक मरतबा और सूरह इखलास 3-3 दफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज वास्ते ही मगफरत के बहुत अफजल है। 14 शाबान कबल नमाज इशा 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5-5 मरतबा पढ़ना है। ये नमाज भी बख्शिश व गुनाह के लिए बहुत ही फजीलत वाली है। आले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबान व मुअज़्ज़म की 15वीं शब की इबादत बहुत ही अफजल है। फरमाया इस शब को अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाज़े अपनी रहमत के खोल देते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो आज की शब मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको अज़ाब दोज़ख़ से निजात देकर उसकी मग़फ़रत करूँ। फरमाया इस शब की इबादत करने वाले पर दोज़ख़ की आग हराम कर दी जाती है।